पहुंच गए व्हाइट लेक रिसॉर्ट। ये है हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी विजिट आज का। रिसॉर्ट में छोटा है यार, ये नहीं बड़ा है। यही खड़ी कर दो, पार्किंग इधर ही है। तो थार का वैल्यू ये है कि गार्ड ने देखते ही तगड़ा वाला स्लूट भरा। 4x4 है ये, डीजल टॉप एंड मॉडल है, और महिंद्रा वाले इतनी कंजूसी करते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सारा एक्सेसरीज में कर दिया है। मतलब 20 लाख रुपए आप देते हो, आपको 4x4 मिलती है, खाली गाड़ी डब्बा। पीछे तो स्पेस ही नहीं है ना, एक बैग हमने डाला हुआ खड़ा करके, ये दिख रहा है ना, एक बैग डाला है हमने बस इसमें, तो पीछे तो स्पेस ही नहीं है। महिंद्रा वाले क्या बोलते हैं इसको, लाइफ स्टाइल व्हीकल। ये जलधामा रिजॉर्ट में हम लोग आ गए यहाँ पे, और दे हैव अ 20 रूम्स। 20 रूम्स एंड 20 रूम्स मींस 40 पीपल कैन स्टे। सो ये रूम है, सो इपुर अंदर 20 अंदर 40 है, 40 इन द लास्ट ऑप्शन ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಆನ್ 70 80 ಯಾರು ರೂಮ್ಸ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ವಿ। ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಸ್ ಸರಿ 140 ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು। ಈ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ स्विमिंग पूल। हाँ ये इनका मेन बिल्डिंग है जिसके अंदर अराउंड 20 कमरे हैं, उसके ठीक सामने ये गार्डन है, यहाँ पे स्टेज लगा सकते हैं, फिर ये बैठने के लिए यहाँ पे कवर्ड एरिया है, ऑलरेडी कुछ लोग वहाँ बैठे हुए हैं, इस साइड स्विमिंग पूल है, फिर प्लेग्राउंड, ये कार पार्किंग। तो आ गए प्योर ऑफ रोडिंग में, और गाड़ी का 4x4 आज पहली बार अभी लगने जा रहा है। ये है 2-व्हील ड्राइव मोड में, अब इसका लगेगा 4x4। बस 4x4, अब 4x4 में गाड़ी चलेगी। चलो बस रथ को आगे बढ़ाओ, ये है ऑफ रोडिंग। डार्क इज डिफरेंट, डार्क इज नेक्स्ट लेवल। ऑफ रोडिंग करते हुए मैप दिखा रहा होगा कहाँ जा रहे हैं, एकदम पानी के अंदर, पानी के अंदर पानी के अंदर गाड़ी भेज रहे हैं। ब्लू लगून रिसोर्ट, ब्लू लगून तो पता नहीं पानी के। और हमारे साथ पीछे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है वाला कोई विषय नहीं है। आ गए हम लोग एकदम डिडंट है पानी के पास, यही होगा, इधर ही होगा। नो एंट्री, यही गाड़ी खड़ी करनी है। हम लोग पहुंच गए ब्लू लगून रिसॉर्ट, और ये हम लोग इंटर कर रहे हैं यहाँ पे। ये आ गए भाई साहब सिक्योरिटी चेक के लिए, नंबर ले। पार्किंग करके हम लोग आ गए हैं ब्लू लगून रिसॉर्ट में, और ये है रिसॉर्ट का एंट्रेंस। तो ब्लू लगून में ये है डॉर्मेट्री, 2 वॉशरूम्स, बड़ा सा हॉल है। सो ये एक पूरी बिल्डिंग है ब्लू लगून में, यहाँ भी जा रहे हैं हम लोग रूम देखने के लिए। एक्चुअली टू शेयरिंग है, मदर फोर। सो ये रूम है, ये प्रीमियम रूम है। ओके, हम लोग KRS डैम के पीछे हैं। तो ये है ब्लू लगून का रेस्टोरेंट फूडिंग एरिया, और ये पीछे इसके किचन है जहाँ पे खाना बन रहा था, और यहाँ से सामने ये बैक वाटर दिख रहा है KRS डैम का। तो ये आगे हम लोग बिल्कुल KRS डैम के पीछे, बैक साइड ठीक पीछे दिख रहा है KRS डैम। KRS डैम उस तरफ से आते हैं, उसका जो पीछे का बैक वाटर है, इसके पास ये है वेन्यू, और ठीक जस्ट इधर रोलर भी है यहाँ पे। सो बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ से, ये चेयर लगी हुई है कि शाम को बैठ के सनसेट देखो, सामने पूरा पानी है यहाँ पे। ये लोग जा रहे हैं नीचे की तरफ, फुल प्रॉपर्टी एकदम जंगलों के बीच में है, पूरे घने घने पेड़ लगाए हुए इन्होंने, इसके बाद पूरा आपको खाली देखने को मिलेगा। टारगेट शूटिंग का भी ऑप्शन है यहाँ पे,
ये रेन डांस के लिए प्लेस है यहाँ पे। तो ये है एक्टिविटी एरिया यहाँ जंगल के बीच में। गार्डन इज द विला। तो ये हम लोग पहुंच गए स्विमिंग पूल के पास। स्टार्ट है साइकिल से एंड देन यू कैन गो टिल देयर। विला के सामने ये काफी ब्यूटीफुल डाइनिंग एरिया बना हुआ है। हम लोग जा रहे हैं एंटर करने। विला के बाहर ही झूला लगा हुआ है और ये है विला। सो विला के अंदर यहाँ पे ये डबल बेड है, एक छोटा सा कमरा और वॉशरूम होगा ये शायद। इसमें ये वॉशरूम है। देन इस हॉल में एक डबल बेड लगा हुआ है यहाँ पे। सोफा है। इधर भी एक हॉल में वॉशरूम है। देन इधर एक कमरा है डबल बेड। एंड देन गेस्ट बेड है तो एरर रूम। यहाँ भी वॉशरूम है। एंड इधर भी एक बेडरूम है। सो टोटल डबल के चार बेडरूम है। और यहाँ पीछे प्राइवेट बालकनी एग्जिट ओपन एरिया। और यहाँ से पीछे जिप लाइन शुरू हो रही है। एक दिन के लिए पूरा खाना पीना सब कुछ 2000 KRS डैम दिख रहा है, उसके पीछे हम खड़े हैं। और ये जो सामने व्हाइट पत्थर की बाउंड्री दिख रही है पेड़, ये है ब्लू लगून रिजॉर्ट का बैक साइड। हम लोग पहुंच गए हैं अ विलेज, द क्यूट अ विलेज रिजॉर्ट। और ये एक लग्जरी प्रॉपर्टी है यहाँ पे। एंटर कर गए हम लोग। पहुंच गए हैं क्यूट विलेज रिजॉर्ट में। अ क्यूट रिजॉर्ट। इधर ये यहाँ पे ये विला है। सो यहाँ पे बेड है ये इस तरह से। यहाँ पे ओपन है रूफ और ऊपर ग्लास से कवर है लाइट के लिए सेंटर। हाँ। सो अभी हम लोग जा रहे हैं ये स्टैंडर्ड रूम देखने यहाँ पे। सो ये एक रूम है। बाबा यहाँ बैठ गए हैं, प्लान कर रहे हैं स्पा के लिए जाने के लिए। एक और रूम दिख गया और लग्जरी रूम। एग्जैक्टली सोफा है, मिरर भी है। मिरर वहाँ पे ही था। सो इट्स अ लग्जरी स्विमिंग पूल। क्यूट रिजॉर्ट हमने देख लिया। हाँ। और बाबा क्यूट है, बहुत क्यूट रिजॉर्ट है, बहुत सुंदर है, फैमिली को लेके आई है। बट मोटरसाइकिलिंग के लिए आई एम डाउटफुल। एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी वो नहीं कर सकते जो हम प्लान करते हैं। थोड़ा छोटा प्रॉपर्टी है बट नाइस प्रॉपर्टी, वेरी नाइसली डिजाइन्ड, वेल प्लान्ड। हाँ जिम बारिश हो रही है, लिटरली कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर इस चीज़ से देखने की कोशिश करें तो आदमी सो नहीं जाएगा। क्या जबरदस्त बारिश है। सारे सेफ्टी प्रिकॉशन, सारी लाइट्स ऑन करके हम लोग गाड़ी चला रहे हैं इस समय। और ये आ गया टोल। आज थार पहली बार बारिश का आनंद ले रही है जब से बहुत हुई है। जा रहे हैं तलखाड़ो जलधामा रिजॉर्ट के लिए। रास्ते में मिली हमें भयंकर वाली बारिश और थार पहली बार बारिश का मजा ले रही है। और पानी में भी गाड़ी काफ़ी अच्छे से चल रही है। गाड़ी का मतलब भगवान इंद्रदेव इसका स्वागत कर रहे हैं भाई। कैसे फील करते हो आपको कंट्रोल बारिश में? मतलब लगता है कि हाँ ये ड्राइवर्स की कार है चलाने के लिए। इसके पहले फोर्ड डीजल, वो भी 1.5 लीटर, तो उसका भी पावर टू ब्रेक रेशियो अच्छा था। अभी ये 2.2 लीटर डीजल इंजन 4x4, उसका अलग ही फीलिंग है। और जो कमांड मिलता है ऊंचाई पे बैठ के गाड़ी चलाने का, वो अलग ही है। और बरसात भी दूर तक दिख रहा है हमें, तो
तो अभी भी हम लोग कितना 80 की स्पीड में आराम से बारिश में भी गाड़ी को चला पा रहे हैं। नॉर्मली ऐसे 100 ले सकते थे। तो हम लोग जा रहे हैं जलधामा रिजॉर्ट और ये पूरा राइस का खेत है और ये सामने ऑफ रोडिंग गाड़ियां तो बहुत है यहाँ पे। जलधामा एंट्री पॉइंट है, पार्किंग भी है, गाड़ी पार्किंग। हम लोग ये है आज का हमारा नेक्स्ट विजिट जलधामा रिजॉर्ट तलखाड़ू। काफी बड़ा कंपाउंड है अंदर ये जलधामा रिजॉर्ट का। यहाँ पे झूला भी है, कोई और झूले चल रहे अभी। बहुत बड़ा ये पेड़ है यहाँ पे कैंपस के अंदर। और हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ, सीधे इधर जा रहे हैं, इधर ये है वाटर बॉडी। ये यहाँ पे एक्टिविटीज़ बास्केटबॉल। और ये सामने क्लोज जो कवर दिख रहा है ये है रेस्टोरेंट सिटिंग एरिया, फूड कोर्ट एंड बार। फूड कोर्ट के अपोजिट में ये यहाँ पे डिस्क, इसको टाइम 8 to 10। और अभी कोई कॉन्फ्रेंस चल रहा है सो लाइटिंग। इंडोर गेम्स का प्लेस ये है। सो ये है नाइट डिनर का प्लेस। सो यहाँ पे कुकिंग, यहाँ पे एक्टिविटीज एरिया है पानी में एक्टिविटी करने के लिए। रेन डांस, सो यहाँ पे आने के लिए बोट भी है, बस बोट से लोग आ रहे हैं। ये फ्लोटिंग भी बना हुआ है, फ्लोटिंग डिनर पे। तो हम लोग खड़े हैं जलधामा रिजॉर्ट के पास और ये पूरा इधर पानी है आने के लिए। ये रास्ता यहाँ पे बोट चलती है, पीछे लोग बोट से उतरते हुए दिख भी रहे हैं, बोट खड़ी है। जो बोट है इसी से लोग अभी आए हैं, स्टेशन बना हुआ है, बोट से यहाँ आना है। और ये यहाँ पे है जलधामा का रिसेप्शन काउंटर। ये वॉलीबॉल कोर्ट, ये है स्विमिंग पूल। इधर स्विमिंग पूल की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक। से जलधामा का डॉर्मेट्री है, वॉशरूम, वॉशरूम इज गुड, वन डॉर्मेट्री, टू वॉशरूम, सफिशिएंट स्पेसेस। ये आज और जागदल ना मेरा। कावेरी रिवर साइड है तलगाड़ू के रास्ते में, बड़ी बड़ी चिड़िया यहाँ पे पानी के पास बैठी हुई है। क्या नजारा है, सारे चिड़िया घर जा रही है अपने। क्या बात, वीडियो बनाया इसका, बहुत ही सुंदर। जलधामा जाने के लिए और यही है यहाँ पे सेंटर पार्किंग एरिया। तो यहाँ पे इनका गेट है, तो कार और बाइक यहाँ पे सेफली पार्क कर सकते हैं हम लोग। इनका सिक्योरिटी है और पार्किंग है और कवर्ड पार्किंग है। नाउ व्हाट वे दारी ली बरता इदीवे